वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे थे, रिवेटेड कनेक्शन। तो हम लोग रिवेटेड कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि जो रिवेटेड कनेक्शन किया जाता है वो कितने टाइप के हैं, है ना। तो टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट या कनेक्शन, टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट या कनेक्शन दोनों बोल सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? पहला होता है लैप ज्वाइंट और दूसरा होता है बट ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट क्या होता है और बट ज्वाइंट क्या होता है ये हम देखेंगे। पहला क्या होता है? लैप ज्वाइंट होता है, लैप ज्वाइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेट रहती है या जो मेंबर होता है, जब उसको लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है? ओवरलैप करके, कुछ ऐसा। ये एक मेंबर हो गया और ये दूसरा मेंबर हो गया, इसको रिवेट की सहायता से हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारा रिवेट हो गया। तो रिवेट के हेल्प से हमने क्या कर दिया, अपने दो मेंबर को जोड़ा है। लेकिन जोड़े कैसे हैं? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके, यानी ये जो कनेक्शन हुआ है ये कैसा कनेक्शन हुआ है? फेस टू फेस कनेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। और ये भी हो जाएगा हमारा, इसके लिए अपोजिट साइड में ये भी क्या है? फेस है। तो फेस टू फेस। तो लैप जॉइंट में क्या रहता है कि जो हम मेंबर जोड़ते हैं, दो मेंबरों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? फेस टू फेस, यानी ओवरलैप करके जोड़ा जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इन दिस टाइप, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द मेंबर टू बी कनेक्टेड together are made to overlap, या lap over जो भी कहना चाहे, overlap each other, एक दूसरे के, है ना, each other and are, यहां लिख दे रहा हूं, and are then connected by, किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? by means of rivet as shown in figure, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई lap joint की, यानी lap joint कैसा किया जा रहा है। हमारा जो lap joint है उसमें हम डेफिनेशन बता रही है कि इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, यानी जो भी मेंबर है इस जॉइंट में, दोनों मेंबर को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जोड़ा जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लैप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में लिख सकते हो, जब दो, अच्छा मेंबर को अवयव बोलते हैं, को या एलिमेंट, जब दो मेंबरों को आपस में एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर रख कर या लगा कर जोड़ा जाता है ना, रख कर जोड़ा, किसे जोड़ा जाता है? रिवेट से जोड़ा जाता है, उसे लैप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये अभी काम आने वाला है, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया? लैप जॉइंट हो गया। अब लैप जॉइंट में कैसा रहता है? एक तो रहता है, जिसे हम लोगों को दिख रहा है फिगर में, सिंगल रिवेटेड, ठीक है। इस सिंगल रिवेटेड या सिंगल सियर भी बोल सकते हो, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कैसा होगा और डबल रिवेटेड लैप जॉइंट कैसा होगा? तो जब एक रो में, ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा रिवेट
और इधर हो गया हमारा लोड, ठीक है, फोर्स कह सकते हो, पी लगा देते हैं, ठीक है। जब हमारा ये जो रिविट लग रहा है वो इस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, बीच में रिविट कुछ ऐसा, दो या तीन या चार जो भी लगा, तो एक रो में दिखे, किस में दिखे, एक रो में दिखे, तो हम लोग उसमें सिंगल सीयर के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ, है ना। तो ये सिंगल रिविटेड लैप ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। एक हो जाएगा डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो डबल रिविटेड के लिए क्या रहेगा, यहां पर दो रिविट आ जाएंगे, तो दो रिविट आ जाएंगे, तो ये किस में आ जाएगा, डबल रिविटेड में, दूसरा नंबर है, डबल रिविटेड। तो डबल रिविटेड लैप ज्वाइंट, इसके क्रॉस सेक्शन में दो क्या दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको किसमें, डबल रिप्टेड लैप ज्वाइंट में। तो इसी तरह हमारा ट्रिपल रिप्टेड हो जाएगा, इसी तरह मल्टी रिप्टेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या चीज, लैप ज्वाइंट। अब हम लोग देख लेते हैं बट ज्वाइंट। अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, लैप ज्वाइंट में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेंथ निकलेगा वो शियर के लिए निकलेगा। क्यों निकलेगा शियर के लिए, क्योंकि शियर के लिए भी निकलेगा, बियरिंग के लिए भी निकलेगा, है ना। और टीयरिंग ऑफ प्लेट के लिए भी निकलेगा। हमने जब ये रिविट लगाया, ये ठीक है, तो जब रिविट लगाया और यहाँ से हमने लगा दिया बल यानी फोर्स, बल यानी फोर्स यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है, दोनों साइड से लगाया, ये अभी बल कौन सा दिख रहा है, जब पॉइंट के अगेंस्ट दिखे तो कौन सा बल होगा, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स हमने लगा दिया है, ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो एक शॉर्टकट है कि अगर एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर तीर ऐसा दिखे, या कह सकते हो कंप्रेसिव भी कह सकते हो, है ना, कि कंप्रेस कर रहा हो या टेंसाइल दिख रहा हो, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे दिखे, तो वो किस में चला जाता है, शियर फोर्स में, है ना। अब ये शियर फोर्स में कैसे, और भी बता देता हूँ कि जब हम लोग किसी पर ये वाला बल लगाएंगे शियर फोर्स, तो वो उसके टेंजेंशियल पे यानी टेंजेंट पे काम कर रहा होगा, कहाँ काम कर रहा होगा, टेंजेंट, और ये क्या है सरफेस, उसका टेंजेंट है, तो इस जगह पे जब काम करेगा तब ये क्या कहलाएगा, शियर फोर्स कहलाएगा। और इस कंडीशन में जो बदलाव आता है किसका, जो भी फिगर है, मान लेते ये बॉडी है जो भी, तो इस बॉडी में जो बदलाव, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से क्या है, फिक्स्ड है, तो ये जो बदलाव आएगा वो एंगल में बदलाव आएगा, किस में आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एंगल, ये थीटा, थीटा में या फाई जो भी कहना हो, इसमें बदलाव आएगा। तो किस में चेंज आ रहा है, शेप में, किस में चेंज आ रहा है, चेंज इन शेप, ठीक है। और फोर्स कहाँ पे लगता है, टेंजेंशियल पे वर्क करता है, कहाँ पे, टेंजेंट में, है ना। तो इसका दूसरा नाम भी है टेंजेंशियल फोर्स, क्या नाम है, टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्शी बल, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, किसी के टेंजेंट में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये देख लेते हैं कि जब रिविट लगती है, तो इस कंडीशन में जब रिविट लगा और ये फोर्स लगाया हमने, अब बल लगा रहे हैं, अब बल इतना ज्यादा हो जाए कि ये रिविट है इस बल को ना झेल पाए, ठीक है, तो प्लेट ये वाली इधर खिसकेगी, ये वाली इधर खिसकेगी, तो ये टूटेगा कैसे, ठीक है। अभी शुरू में क्या होता है, रिविट
कि अंदर की जो ताकत है वो इस वाले बल के लिए इधर अपोजिट साइड रोकने की कोशिश कर रही है, इस वाले बल के लिए इस साइड कर रही है। लेकिन ये जब हार जाए यानी फेल हो जाए, तो जब फेल होगी तो टूटेगी कहाँ से, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, चलो इसको ऐसे दिखा देते कि ये कुछ ऐसा इधर भी है ना, तो ये कैसा दिखेगा, तो ऊपर वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा टूटने के बाद, यानी ये जो है, ठीक है, ये एक सेकंड सही से बना देता हूँ, ये डिस्टर्ब, ऊपर वाला पार्ट ये, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से क्या हो गया है, टूट गया है, तो इधर बल इधर लगाया गया तो ये ऊपर से, और नीचे वाला देख लो ये कैसा हो गया है, ये यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तो हमको देखने क्या मिला, ये टूटा कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से टूटा ना, तो इस वाले प्लेट के लिए यहाँ पर टेंजेंट काम कर रहा, इस वाले प्लेट के लिए इसका टेंजेंट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, तो इस सरफेस पे है ना, यहाँ पे ऐसा बल लगा था और इस सरफेस यहाँ पे ऐसा बल लगा था, तो बीच वाले न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर फोर्स क्या हो गया, बढ़ा और यहाँ से टूट गया है ना। सपोज आप एक ये वाला पेज लीजिए और इसको दोनों हाथों से ऐसे खींचिए, तो ये वाला ताकत इधर जाएगा है ना हाथ का, और ये वाले का इधर आएगा, तो ये फट जाएगा है ना, उसी तरह इसमें इस कंडीशन में हुआ। तो जब ये टूट रहा था तो इसमें हो क्या रहा था, कुछ ऐसा इनिशियल स्टेज अगर देखा जाए है ना, अगर ये बल इधर गया ये इधर गया जो एक्सीड हो जाए, सपोज ऐसा हो गया, ठीक है, ये यहाँ पी यहाँ पी, तो आपको ये देखने क्या मिला, ये यहाँ से इधर खिसक गया, इधर से ये खिसक गया, यानी टूट गया ना, तो हम लोगों को यहाँ पर ये डिस्प्लेस मिला और यहाँ पर ये डिस्प्लेस मिला, यानी इसके बीच में एंगल का बदलाव आया, ठीक है, एंगल यानी थीटा चेंज हुआ। तो जब एंगल का बदलाव आता है तो शेप चेंज होता है, ना कि साइज बदलती है, तो जब शेप चेंज होगा तो शियर फोर्स होगा, और इस पॉइंट पर हमको देखने को मिलेगा कि ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, यानी कुछ ऐसा तीर है और ऐसा तीर है, तो ये कौन सा है, शियर फोर्स है। तो इस वजह से शियर में कैलकुलेशन करना पड़ता है, और जब कोई किसी के कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है, जैसे फाउंडेशन अगर हम बना रहे हैं और ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में होगा तो इसके बीच में कॉन्टैक्ट प्रेशर एक्ट करेगा, उसी तरह जब रिविट है और प्लेट को होल करके रिविट को लगाया गया है, तो रिविट यहाँ पे मान लेते हैं ये प्लेट है, ये होल करके हम रिविट को इंसर्ट करेंगे लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में भी कॉन्टैक्ट प्रेशर आएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट में ऐसा कुछ, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर करेगा, तो बियरिंग में भी निकाल लेंगे हम लोग है ना। तो प्लेट में जब होल कर रहे हैं तो प्लेट की भी ताकत कुछ इफेक्ट करेगी, कि लोड बढ़ेगा तो वो कोई जोड़ नहीं, रिविट टूटे प्लेट भी फट सकती है, या तो प्लेट के टीयरिंग ऑफ प्लेट भी हम लोग इसमें देख लेंगे। तो ये है, अब आ जाते हैं सेकंड वाला जॉइंट जो मैंने बोला, क्या, बट जॉइंट। तो बट जॉइंट क्या चीज है, बट जॉइंट देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, लैप जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, और बट जॉइंट में क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने, ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पर ऐसा कनेक्शन होता, और ये ऐसे तो डायरेक्ट कनेक्ट हो नहीं पाएगा है ना, इसीलिए हम लोग एक या दो कवर प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ दो लगाए, और इसको जोड़ने के लिए अभी रिविट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रिविट हमने लगा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा, ये और ये फोर्स दिखा सकते हो, ये बल लग रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, कवर प्लेट, प्लेट, और ये जो प्लेट है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि ये गैजेट है, कौन सा प्लेट है, गैजेट प्लेट, ठीक है। तो इस वाले जॉइंट में हमको क्या देखने को मिला, ये जो है, यहां से भी समझ लेते हैं कि ये, इसको कहते हैं एंड, तो इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है, ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, एंड कहला रहा, तो जब एंड टू एंड कनेक्शन हो, इसका एंड, यानी कौन सा कनेक्शन हो, एंड टू एंड, तब हमारा बनता है बट जॉइंट, कौन सा जॉइंट बनता है, बट जॉइंट, एंड टू एंड कनेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, नीचे लिख लेते हैं, दी प्लेट टू बी
जॉइंट टुगेदर यानी आपस में टुगेदर आर मेड टू बट है ना, कैसा बना देता बट अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के खिलाफ, बट अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के खिलाफ, एंड जॉइंट इज सिक्योर्ड बाय मीन्स ऑफ कवर प्लेट्स फासेन यानी फासनर जो होता है ना, इसको लगाते हैं जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें लगा रहे हैं ना रिविट, इसीलिए है ना। तो टू द मेन प्लेट बाय रिविट्स, ये हो गया अपना बट जॉइंट। अब बट जॉइंट में भी क्या होता है, जैसे मैंने बोला एक सिंगल कवर भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो हम लोग इसमें सिंगल कवर बट जॉइंट ए नंबर में, सिंगल कवर बट जॉइंट, और सिंगल कवर बट जॉइंट में हम लोग सिंगल रिविट लगा सकते हैं, सिंगल रिविटेड, डबल रिविटेड, ठीक है। और आगे दोनों में भी नहीं लिखाया हूँ मैं, जैसे इसमें मल्टी रिविटेड बताया था लैप जॉइंट में, हम लोग इसमें चेन रिविटिंग भी कह सकते हैं, डायमंड रिविटिंग भी कह सकते हैं, स्टैगर्ड रिविटिंग भी अभी आ सकता है ना। जो मल्टी रिविटेड लगा रहे हैं वो या तो चेन रिविटिंग होगा या डायमंड होगा या स्टैगर्ड होगा, क्वेश्चन कराते वक्त बता दूंगा कैसे कैसे क्या दिखेंगे। बट में भी कुछ ऐसा ही होगा, सिंगल डबल, उसके बाद आप जो मल्टी लगाएंगे तो वो या तो चेन रिविटिंग होगा, है ना। चेन रिविटिंग में क्या होगा, जब एक लाइन से होगा ये रिविट, ठीक है, ये चेन रिविटिंग में आ जाएगा। और जब एक लाइन से ना हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है, ये डायमंड में आ जाएगा। और ये प्लेट है सपोज, ठीक है, ये कुछ ऐसा लगा, ये डायमंड में आ जाएगा, ठीक है, डायमंड, और ये चेन में आ जाएगा, ठीक है, चेन रिविटिंग, डायमंड रिविटिंग। और जब एक दो तीन चार पाँच छः कुछ ऐसा जिग जैग बनेगा, तो अब समझ लेना है कि जिग जैग वाले में, मान लो यहाँ पर ये भी ले लो, जिग जैग बनेगा तो ये स्टैगर्ड में भी आ जाएगा, जिग जैग, तो जिग जैग भी बोल सकते हैं, स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंगल लिफ्टेड, चेन लिफ्टेड। और तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बताते वक्त मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या दिखेगा। तो सिंगल कवर, ठीक है, तो सिंगल कवर वाला कैसे दिखेगा, आपने लगाया ये सिंगल कवर सिंगल रिविटेड, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक एक प्लेट के लिए एक साइड पे एक रिविट, तो सिंगल रिविटेड, ठीक है। अगर डबल हो जाता सपोज ऐसा, तो ये और ये डबल रिविटेड, ठीक है, एक प्लेट के लिए एक साइड पे दो रिविट, तो डबल रिविटेड, ठीक है। ये बट जॉइंट है, ऊपर से देखने पर क्या दिखेगा, बीच में इसका डेड डैश क्रॉस सेक्शन के लिए, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये आपका रिविट अगर डबल है तो, और डबल है तो डबल हो जाएगा। तो ये है बट जॉइंट, ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं। तो क्या बोला, सिंगल कवर बट जॉइंट, अगर इसी में एक कवर और लगा दिया जाए ये, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बी नंबर डबल कवर बट जॉइंट। अब डबल कवर में सिंगल रिप्टेड, डबल रिप्टेड, चेन रिप्टेड, जिग जैग, डायमंड, ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारे रहे क्या, जॉइंट रहे कि टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होते हैं रिविट में। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन बताऊंगा, न्यूमेरिकल रहेगा। तो आप लोग इस यहाँ तक अगर जो नहीं पढ़ा हो, तो पीछे से जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, स्टील 1, 2, 3 तीन वीडियो बन चुकी है रिविटेड कनेक्शन की, तीनों वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने शुरू से सारा चीज़ समझा दिया है कि रिविटेड कनेक्शन क्या है,
है ना, और पिच क्या है, एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस सारी चीज़ें बता दी। अब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और भी जो चीज़ कन्फ्यूजन रहा होगा वो चीज़ दूर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, है ना। जो भी मैं क्वेश्चन लगवा दूँ उसके बाद आप अपने से भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।